मोहिनी बहन है ना, मोहिनी दीदी, मोहिनी दीदी जो एडिशनल चीफ है, न्यूयॉर्क में रहती हैं, आप उनके मामी जी हैं। और गीता दीदी ने बहुत सेंटर एस्टैब्लिश किए हैं, अलवर, भिवानी, जम्मू कश्मीर की पूरी सेवाएं जम्मू कश्मीर की आपने की है। और दिल्ली साउथ उसका बीज रूप गीता दीदी है, पूरा दिल्ली साउथ। आज सिरी फोर्ट में आप रहते हैं और ओआरसी की पूरी संभाल करते हैं। इतने प्यार से, जब मैं कहती हूँ प्यार से स्वीकार करके आते हैं, 92 के करीब है, लेकिन एक्टिव अलर्ट। सब सब दुआएं देंगे, हाँ, गीता दीदी को सब प्यार से दुआएं देंगे कि हमारी गीता दीदी सदा स्वस्थ रहें, ठीक है। और आपको एक राज की बात बताती हूँ, बाबा मुरली में जब कहता है गीता बच्ची गीता तुम तो सच्ची गीता हो, वो ये गीता दीदी के लिए बोलते हैं। ये गीता दीदी के लिए बोलते हैं, तो हम कहते हैं हमारी गीता दीदी, हाँ, हमारी गीता दीदी है। और गीता दीदी ने ओआरसी कनेक्शन के भी सेंटरों की पालना की हुई है, आप सबकी पालना की है, स्थापना भी की है, पालना भी की है, दोनों काम किए हैं। तो ऐसे गीता दीदी से हम अभी क्लास सुनेंगे, ठीक है। टाइम बहुत हो रहा है। नहीं, आप सुनाइए, आज संडे है। ओम शांति। हम सब एक शिव बाबा के बच्चे हैं, ये हमारा अलौकिक परिवार है। उस परिवार के नाते जब भी हम मिलते हैं तो खुशी होती है। और आज तो बाबा ने हम बच्चों से दो तीन वादे जो सभी ने कर लिए वो याद होंगे। एक तो बोला बेहद के वैरागी बनो, दूसरा कहा बाप समान बनना है, जो सभी ने रिपीट भी किया किया ना सभी ने, तो बाप समान भी बनना है। और तीसरी बात सुनाई कि साधना का आधार लेना है, साधनों का नहीं लेना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी साधना के आधार से ही ये सब कुछ हुआ। आज हम सबके पास जितने भी सेंटर्स हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, मैं तो कहती हूँ कि सब साधन बाबा ने हमको दिए हैं, किसके पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। किसे भी पूछते हैं कि आपको कुछ चाहिए, कहते हैं नहीं बहन जी मेरे पास सब कुछ है। इससे सिद्ध है कि बाबा ने हमको इस संगम पर भरपूर कर दिया है। और जब सब कुछ कहते हैं, फिर आज बाबा ने कहा कि अभी तक भी कोई न कोई इच्छा रहती है बच्चों को, था ना मुरली में, इच्छा के कारण कभी कभी दुखी होते हैं, जब इच्छा पूरा नहीं होगी। फिर इसके लिए बाबा ने एक बार सुनाया था, कहते हैं कि इच्छा नहीं है परंतु अच्छा लगता है। बच्चे तो चतुर है बड़े, बाबा को भी ऐसा जवाब देते हैं। इसीलिए हमको किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि हमको इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, कर्मातीत बनना है, बाप समान बनना है। तो जो मुरली में बाबा हमको सुनाते हैं, और हमने देखा बाबा लास्ट में कितनी प्यार भरी याद देते हैं, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, सिकीलदे बच्चे, सेवादारी बच्चे, कितने नाम देता है। तो जो बाबा हमको नाम देता है, क्या हम सब वैसे बाबा के बच्चे हैं, मीठे हैं,
प्यारे हैं, न्यारे हैं। और बाबा जो कहता है कि बच्चों को सदा एक बाप की याद में रहना चाहिए, तो इसीलिए हमारे पास जो ये बाबा के वचन है, ये जो बाबा के महावाक्य है, इनको सुनने से लगता है कि बाबा क्या चाहता है और हम क्या है, बाबा हमसे क्या उम्मीद रखता है, बाबा हम बच्चों को किस नज़र से देखता है। तो क्या हम अपने ऊपर नज़र डालें कि हम सदा मीठे हैं, सदा प्यारे हैं और सदा न्यारे भी हैं। तो इसलिए मैं सब नहीं समझती कि बेहद के वैरागी हम बन गए हैं, बन रहे हैं। हैं सब बेहद के वैरागी, बताओ बेहद के वैरागी माताएं सभी हैं, हाँ हाँ कर रही हैं, हाथ नहीं उठा रही हैं, इसका मतलब शक है। बेहद का वैरागी बनना है। आज तो बाबा बार 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 इसी बात पे हमको जोर दे रहे हैं। बेहद का वैरागी का मतलब कि देह से, संबंधों से, पुरानी दुनिया से सबसे उपराम रहना। तो इसी दुनिया में है, कार्य तो इसी दुनिया में ही रह के करना है, लेकिन बाबा कहता है कि ये सब कुछ देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। जो भी यहाँ की बातें होती है हम बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं, पुरानी दुनिया की बातें भूलती नहीं है और नई दुनिया की बातें भूल जाती है। संगम पे बाबा इतनी हमको खुशी देता है, अति इंद्रिय सुख देता है, वो भूल जाते हैं। कभी कभी उदास हो जाते हैं, कभी कभी मुरझा जाते हैं, कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। तो ये सब बातें अभी हम लोगों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो हम बहुत पुराने हैं, दूसरा रोज मुरली बाबा की सुनते हैं, तो जो मुरली के अंदर बाबा की धारणा की बात होती है, योग की बात होती है, जो भी हमारी चार सब्जेक्ट में से, उस पॉइंट को नोट करना चाहिए। तो नोट करते हैं, कहीं डायरी में नोट करते हैं, कहीं बुद्धि में नोट करते हैं, और कहीं तो नोट करते ही नहीं, कहते मैं समझ लिया ना समझ लिया, नोट करने की क्या जरूरत है। तो प्रैक्टिकली ये भी हमारा अलबेलापन है। अगर हम बुद्धि में भी उसको याद रखें तो दिन भर में हमको वो बातें याद आएगी। तो इसलिए आप सभी मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तो आप सबको जानती हूँ आत्मा के नाते, तो हम सब बाबा के बच्चे हैं। जब किसी की भी शक्ल देखते हैं, किसी को कहीं भी देखते हैं, तो लगता है ये भी तो आत्मा है, ये भी तो बाबा का बच्चा है। तो जब आत्मिक दृष्टि हमारी हो जाती है तो किसी के शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाता, ये भी ख्याल नहीं आता इसका नाम क्या है, कहाँ किस सेंटर का है। अरे किसी भी सेंटर का है, वो बाबा का सेंटर है। कहीं भी आप जाते हो, जैसे अभी बाप पूछ रही थी ना 28 सेक्टर, 27 सेक्टर, 25 मालूम है हमको, लेकिन जिस भी सेक्टर में आप जाते हो, क्या कहते हैं, कहाँ जा रहे हो भाई, मैं सेंटर जा रही हूँ। सेंटर किसका है, आपका है, बहन जी का है, ईश्वरी विश्वविद्यालय, ईश्वर का रचा हुआ ये यज्ञ है, और ईश्वर ने हमको निमित्त बनाया है, हम वहाँ जाते हैं। आप लोगों को जाना रोज, ये भी एक सेवा है। जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, आपको पता है कि रेगुलर और जो पंक्चुअल स्टूडेंट होते हैं, उनके द्वारा बहुत सेवा होती है। वो ज्ञान नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका आना, उनका वहाँ पर प्रेजेंट होना, वो एक सेवा है। जो जो देरी से आते हैं, उनको ख्याल आता है, अरे ये तो रोज टाइम पर आता है, मैं क्यों लेट होता हूँ। तो लेट भी होना
ये भी हमारे लिए स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं है। मैं खुद भी लेट हो जाती हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि लेट नहीं होते हैं। कभी कभी मैं भी लेट हो जाती हूँ, क्योंकि तैयार होने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिकली हम ORC में आकर रिफ्रेश हो जाते हैं, हल्के, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बेफरवक। आजकल तो बाबा के अव्यक्त इशारे में रोज आप सुनते हैं, आप कौन हो, कौन हो। बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र है। कोई फिक्र न खाने का खाना बनाना है, न हमको कोई नौकरी पे जाना है, न कोई बंधन है, न कोई बाल बच्चा है, न कोई गृहस्थी है। हम तो बाबा के बच्चे क्या कहेंगे, कौन है, गृहस्थी हैं। आप सब गृहस्थी हैं, गृहस्थी नहीं समझो। गृहस्थ में तो रहते हैं, सेवा अर्थ रहते हैं। जैसे हम सेंटर पे रहते हैं, आप अपने गृहस्थी की सेवा करते हो। तो बाबा ने जिस जिसको जो सेवा समझी है, तो सेवा समझ के करते चलो। जितना समय हमारा सेवा का पार्ट है, वो हम करते रहेंगे। बाकी निमित्त और निर्माण और निरहंकारी, तीन चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए कि जो भी हम सेवा करें, निमित्त समझ के करो, निरहंकारी बन के करो और निर्माण हो के करो। मैं कर रही हूँ ये कभी नहीं ख्याल आना चाहिए। हम लोगों को, हम दादियों को देखते थे, हमारी प्रकाशमणि दादी, हमारे जानकी दादी, गुलजार दादी, उनके मुख से मैं शब्द कभी नहीं निकला। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, यूथ है ना, तो यूथ के अंदर ये मैं बहुत आता है। इसलिए मैं और मेरा, इन दो शब्दों का त्याग करना है। न मैं हूँ न मेरा, मेरा तो कौन है, मैं आत्मा हूँ, और मेरा कौन है, एक बाबा। जहाँ से आए हैं वहीं जाना है। घर भी एक है, बाप भी एक है, टीचर भी एक है, गुरु भी एक है। इसीलिए जब हम उस एक की याद रहती है, तो दूसरा कोई बुद्धि में आ नहीं सकता है। तो इसके लिए आप सभी आए हैं, जगह जगह से आप आते हो भट्टी करने। भट्टी से क्या होता है, परिवर्तन। भट्टी में जब हम बैठते हैं तो हमारे में परिवर्तन आता है, इसलिए भट्टी करनी बहुत ज़रूरी होती है। कहीं तो समझते हैं हमने बहुत भट्टियाँ कर ली, कितनी भी कर ली, लेकिन संपूर्ण तो फिर भी नहीं बने हैं। जब हम संपूर्ण बनेंगे, फिर तो भट्टी करने का सवाल ही नहीं। सत्युग में भट्टी करोगे, सत्युग में भट्टी होगी, ज्ञान सुनेंगे। तो ये संगम समय ही है जहाँ हमको ज्ञान योग की बाबा सेवा देता है। सेवा करो और अपने अवस्था को बनाओ। तो इसलिए टाइम बहुत हो गया है, आज वैसे भी 7:30 बज गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूँगी कि जो बाबा कहता है उसको धारण करना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए। जितनी जितनी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ होगी, तब हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओम शांति।